सो हाय गाइज, वेलकम बैक अगेन इन एडोग्रोन जॉब अलर्ट। आज एक नया अपडेट आया है, इंडियन आर्मी की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो यहाँ पे देख सकते हो, इंडियन आर्मी की रिक्रूटमेंट निकली हुई है SSC टेक्नीशियन में, अनमैरिड मैन और वुमेन के लिए। तो अगर आप शादीशुदा नहीं हो देन तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाओगे। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट की पोस्ट निकली हुई है, पूरी डिटेल में अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और पसंद आए तो शेयर करना उन्हीं के साथ जिन्हें ज़रूरत हो। बेल आइकन को क्लिक कर लेना ऐसे ही रेगुलर अपडेट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, इंडियन आर्मी की तरफ से ये जो रिक्रूटमेंट है, ठीक है, आप चेकआउट पूरा कर सकते हो, इसकी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पे काफ़ी सारी वैकेंसीज निकली है। देखा जाए तो BE/BTECH के लगभग सारे ब्रांच के लिए यहाँ पे वैकेंसीज निकली हुई है, ठीक है। देख लो यहाँ पे, एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर एलिजिबल अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल इंजीनियर ग्रेजुएट एंड ऑल्सो फ्रॉम विडोज ऑफ डिफेंस पर्सनल, ठीक है, उनके लिए भी रिक्रूटमेंट निकली हुई है। चेन्नई तमिलनाडु में पोस्टिंग रहेगी। तो यहाँ पे अगर टेक SSC टेक मैन की बात करें तो अगर सिविल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में 60 वैकेंसी, आर्किटेक्चर में 1, मैकेनिकल में 5। तो आप अगर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिखाऊं तो मैं डाउनलोड कर लिया हूं, तो ज़रूरी नहीं बहुत लगभग सब ब्रांच वाले अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है, लगभग हर ब्रांच वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो देख लो, सिविल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में इतने सारे जो ब्रांचेस हैं अप्लाई कर पाएंगे। आप चेकआउट कर लेना, आप डाउनलोड कर पाओगे मेरे आर्टिकल से ये नोटिफिकेशन, ठीक है। फिर आर्किटेक्चर में इतने सारे आर्किटेक्चर ब्रांच वाले अप्लाई कर पाएंगे, एक ही पोस्ट है। लेकिन मैकेनिकल में मैकेनिकल, एडवांस मैकेनिकल, मैगाट्रॉनिक्स वाले सभी 5 पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक में इतने सारे ब्रांच वाले अप्लाई कर पाएंगे, 8 वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक के लिए 2 वैकेंसी है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए 31 वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 12, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए 5, टेलीकम्युनिकेशन के लिए 4, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन के लिए 5, सेटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए 3, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक एंड माइक्रोवेव के लिए 3, एरोनोटिकल एरोस्पेस के लिए 6, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 4, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए 3, प्रोडक्शन के लिए 3, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग के लिए 6, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक के लिए 3, फाइबर ऑप्टिक्स के लिए 2, बायोटेक्नोलॉजी के लिए 1, ब्लास्टिक इंजीनियरिंग के लिए 1, रबर टेक्नोलॉजी के लिए 1, केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 1, वर्कशॉप इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के लिए 3, लेजर टेक्नोलॉजी के लिए 2। टोटल 175 वैकेंसी निकला है SSC टेक मैन के लिए। वहीं हम SSC टेक वुमेन की बात करें, SSC टेक वुमेन के लिए 28 वैकेंसी निकला है, जिसमें सिविल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में 5 वैकेंसीज, मैकेनिकल में 1, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक में 1, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 4 वैकेंसीज हैं, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 2, एरोनॉटिकल स्पेस में 1, टोटल 14 वैकेंसी। वहीं हम वीडियो की बात करें, जो वीडियो हैं डिफेंस पर्सनल ओनली, है ना, सारे वीडियोस के लिए नहीं, जो डिफेंस से थे, जिनके हस्बैंड वगैरह शहीद हो चुके हैं लाइक, है ना, तो उन लोग के लिए है। वुमेन टेक के लिए 1 वैकेंसी और नॉन टेक में 1 वैकेंसी। BE/BTECH इन एनी टेक स्ट्रीम वाले अप्लाई कर पाएंगे और यहाँ पर ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम अप्लाई कर पाएंगे नॉन टेक के लिए, ठीक है। तो ये कुछ स्ट्रीम वगैरह मैंने पूरी डिटेल बता दिया, बाकी के लिए अपन ऑफिशियल्स पे अपने वेबसाइट पे आते हैं। सो यहाँ पे जैसे बताया, SSC टेक मैन के लिए कैंडिडेट हैविंग इंजीनियरिंग डिग्री इन एनी ऑफ दैट, इंजीनियरिंग BE/BTECH कर रखे हो तभी आप अप्लाई कर पाओगे। फिर आगे बात करते हैं, इसका जो लास्ट डेट है वो 23 जून को लास्ट डेट है। फॉर्म 25 मई से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और 23 जून को लास्ट डेट है। इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट अप्लाई कर लेना। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए जॉब अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।